एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये हमने ऑनलाइन अमेजोन से शू कैबिनेट मंगवाया है, फोर सेल का शू कैबिनेट है ये। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये इसमें मेटल रोड्स हैं जिनको हमें असेंबल करना होगा। साथ ही इसमें ये कवर है, तो ये मरून कलर का कवर है। और इसके साथ में ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट है किस तरह से इसको असेंबल करना है। तो ये कवर हो गया है और मेटल रोड है, तो सबसे पहले हम मेटल रोड्स को खोल लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन साइज की मेटल रोड्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से हमें असेंबल करना है। और साथ ही इसमें प्लास्टिक के जॉइंट्स हैं इनको जोड़ने के लिए। कवर भी हम निकाल लेते हैं। इसमें एक बड़ा कवर है ऊपर के लिए, इसके चारों तरफ से कवर करने के लिए। इसके साथ ही इसमें चार छोटे कवर और हैं, इनसे हम शू रैक बनाएंगे। तो हम आपको ये शू रैक तैयार करके दिखा देते हैं। देखिए हम आपको तैयार करके दिखा रहे हैं। ये रॉन्ग साइड है, इसको नीचे की तरफ रखेंगे और जो राइट साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और जो बड़ी वाली रोड्स हैं, दो रोड हमने ली हैं। अब यहां से ये जो कवर है इसके साइड में यहां पर ये रोड डालने के लिए स्पेस बना हुआ है, तो इसमें हमने रोड डाल दी है। अब हम जो दूसरे साइज की मीडियम साइज की जो रोड्स हैं वो हम लेंगे। तो दो रोड्स हमने ले ली हैं। प्लास्टिक के जो जॉइंट्स हैं इनकी हेल्प से हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो जो लंबा वाला पार्ट है इसका, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और जो दो पार्ट है छोटे इसके, इनमें हम दोनों साइड ये रोड्स लगाएंगे। तो एक साइड हमने छोटी वाली रोड लगा दी है, दूसरी साइड हम इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। और अब यहां से दूसरे साइड से हमने जो लंबी वाली रोड हमने कवर में यहां पर डाल रखी है, ये हम इसमें लगाएंगे। बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाता है। इसको जोड़ने में आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक साइड से इसे जॉइंट कर दिया है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे साइड के लिए भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड के लिए तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम दूसरे साइड से इसमें अटैच कर देते हैं। ये हमने दोनों साइड से इसे जॉइंट कर दिया है और ये एक रैक हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें तीन रैक और बनाकर तैयार करनी है। इसी तरह से हमने तीन रैक और बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये चार रैक हमारे पास हो गई हैं। अब इन चारों रैक को हम आपस में जोड़ेंगे। तो जो सबसे छोटी वाली रोड्स हैं उनकी हेल्प से हम इन्हें असेंबल करेंगे। वीडियो में आप देख ही सकते हैं हम किस तरह से इसे असेंबल कर रहे हैं। वैसे जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से इसको असेंबल करना है। ये हमने चारों कोनों पर रोड्स लगा दी हैं। अब जो दूसरी रैक हमने तैयार करी है उसको हमें इसके ऊपर फिट करना है। ये हमने दूसरी रैक इसके ऊपर फिट कर दी है। अब इसके ऊपर भी चारों कोनों पर हमें जो छोटी वाली रोड्स हैं वो हमें लगानी है। तो चार रोड्स की हमें जरूरत पड़ेगी चारों कोनों पर लगाने के लिए। तो इसी तरह से हम चारों रैक्स को असेंबल कर लेते हैं। ये हमने चारों रैक्स को असेंबल कर लिया है और इसके ऊपर हमें एक पार्ट हमने और लगाया है जहां पर ये रैक नहीं है, ये इसी तरह से बनेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास रोड्स होंगी और अब इसके ऊपर हम कवर लगा देते हैं जो इसको चारों तरफ से कवर करेगा।
इसे हम अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। और इसके साथ ही इसके आगे की तरफ चैन लगी हुई है, इनको हम बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। जब आप इसके अंदर शूज रखेंगे तो बाहर से बिल्कुल भी धूल मिट्टी कचरा बिल्कुल भी शूज के अंदर नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पैक हो गया है ये। और जब आपको इसमें से शूज निकालने हो तो आप चैन खोलकर उसे निकाल सकते हैं। इसमें काफी स्पेस है, आप इसमें 15 से 16 जोड़ी जूते चप्पल आराम से रख सकते हैं। और इसका लुक भी बहुत ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश है, और इसमें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल का यूज हुआ है। हमने ये 486 रुपए में खरीदा है अमेजोन से, ये ऑफर में आ रहा था इसलिए 486 रुपए में हमें पड़ गया है। अगर आपको ये शू कैबिनेट पसंद आया हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और आप वहां से बहुत ही आसानी से ये शू कैबिनेट खरीद सकते हैं। ये शू कैबिनेट दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और ज्यादा जगह भी नहीं घेरता है, और इसमें आप अपने स्टाइलिश शूज सैंडल्स बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। और इसका आप एक और यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें उनके टॉय स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप इसे खुला रखना चाहते हैं तो इसके आगे का जो पर्दा है उसको आप इस तरह से रोल कीजिए, और रोल करने के बाद में ऊपर हुक और लूप फास्टनर लगे हुए हैं, वहां से आप इसको सेट कर दीजिए यहाँ पर, तो बिल्कुल यहीं पर सेट रहेगा ये। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे अमेजोन स्टोर का भी लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाली और भी बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं।